जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में आपको सक्सेस मिले, आप जो भी पाना चाहते हैं ईश्वर आपको सब कुछ दे। तो डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल टॉपिक है, और देखिए आज हम वीडियो रीडिंग करने वाले हैं, आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप किस टाइप के इंसान हैं, कैसे हैं, क्या नज़रिया है आपके प्रति उनका, ये सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंसान कहीं हमारे बारे में गलत तो नहीं सोचता, कहीं वो एक गलत माइंडसेट लेकर तो नहीं बैठा हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। देखिए ये दो प्यारे से ब्रेसलेट हैं, ठीक है, इनमें से आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस ब्रेसलेट को चूज़ कर लीजिए। आँखें बंद कर लीजिए, जल्दबाजी मत करना, और जो भी ब्रेसलेट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसे चूज़ करिए। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। ठीक है, चूज़ कर लिया। चलिए अब हम आपकी रीडिंग करते हैं। अब देखिए, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, दूसरा पायल भी सुनना है। हो सकता है कि वो आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और समझदारी तो बनाकर रखनी पड़ेगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पायल नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है ये प्यारा सा ब्रेसलेट, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि ये कोई भी हो, जिसकी नज़रों में भी आप किस तरह के इंसान हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे प्यार करते हो आपका कोई क्रश हो, आपका कोई एक्स हो, ये सब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उनकी नज़रों में ये जो वो है ना, ये कोई भी हो सकते हैं, उनकी नज़रों में आपकी छवि क्या है, आप कैसे व्यक्ति हैं, ये जानने के लिए तो आपने पायल नंबर 1 चूज़ किया है। अब चलिए हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, पायल नंबर 1, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, कि आप कैसे व्यक्ति हो। अरे वाह, दिख रहा है, मैजिशियन हो सकता है। द मून,
वाओ, टू ऑफ कप्स, देखें। तो डियर पाइल नंबर वन, आप जानना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। अब ये जो आपके वो है ना, ये आपका एक्स भी हो सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि न्यू पर्सन तो है नहीं। और ये वो एक्स है जिससे अभी आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, कि आप कैसे इंसान हैं। और हमें ये भी पता है कि आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली इशू की वजह से शायद आप दोनों अलग हुए हैं, आप दोनों सेपरेट हुए हैं। तो अब हम बताते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। ये जो पर्सन है, इसे ऐसा लगता है कि आपकी जड़ें हिलाना, आपकी जो नींव है वो इतनी मजबूत है, उसे हिलाना आसान तो नहीं है, या फिर यूँ कहिए कि आपको तोड़ना आसान नहीं है। ये इंसान अच्छी तरह से जानता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो जल्दी हार नहीं मानते हैं, और आपको तोड़ना आसान नहीं है, आप बल्कि खुद ही इंसान को तोड़ सकते हैं। आप में इतनी पावर है, इतनी सामर्थ्य है, आपको कोई आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बैलेंस है, इम्बैलेंस एनर्जी नहीं है आपकी। आप किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो समय के साथ होना चाहिए, मतलब कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते हैं, आप धैर्य रखते हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लाइक मजीशियन जैसी है, कि आप जो भी चाहो वो पा सकते हो, और आपसे कोई भी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। आपकी बातों में वो अट्रैक्शन है, वो आकर्षण है, कि कोई भी इंसान आपकी बातों में आ सकता है, आप जो चाहो उसे हासिल कर सकते हो। और बस आप में कमी क्या है कि आप अपना दर्द बयान नहीं करते, समझ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो महसूस करते हैं, अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आप वो बोलते नहीं हैं, आप अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। और ये इंसान अच्छे जानता है कि आपको झूठ पसंद नहीं है, लेकिन इसने शायद कभी आपसे झूठ बोला है। ये जानता है कि आपको झूठ पसंद नहीं है, कुछ भी हो जाए, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता टूटा भी है। इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ भी इम्बैलेंस हो जाए ना, तो आप होपलेस नहीं होते, परेशान नहीं होते, आप सोचते हैं कि उसे बैलेंस किया जाए। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते, और आप ज़्यादा भाग्य पर, किस्मत पर विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं करूँगा उसी का फल मुझे मिलेगा, जो मैं करूँगा वही मुझे मिलेगा। आप भाग्य के भरोसे बैठने वाले इंसान नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोगों को सिर्फ उतना मिलता है जो कर्म करने वालों से छूट जाता है, समझ रहे हैं। तो आप अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस, सफलता अपने कर्म के अनुसार पाना चाहते हैं, कि मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे उतना फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं भाग्य के भरोसे कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। आप कर्म पर विश्वास करते हैं, आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। आपको झूठ बोलने वाले, बातें बनाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, चालाकी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं ज़्यादातर करके। और आपको धोखा वही देता है, समझ रहे हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, जो आपके दिल के बहुत करीब होता है ना, वही आपको धोखा देता है। आप इसे कितना भी प्यार दे दो, फिर भी ये आपको ठुकरा ही देता है। आप मतलब कि बटरिंग नहीं करते हैं ना, आप बटरिंग नहीं करते, आप मुंह पर बोलने वाले इंसान हैं, आपको बेवकूफ़ कोई बना नहीं सकता। तो कोई भी इंसान बहुत समय तक, जैसे कि वो किसी बुरे इंटेंशन से आपकी लाइफ में आया है, तो बहुत समय तक आपकी ज़िंदगी में टिकता नहीं है, वो चला जाता है, उसे लगता है कि फिर मैं गलत जगह पर आ गया, उसे ऐसा लगता है, और वो छोड़ कर चला जाता है। तो बहुत सारे लोगों से आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ कर चले जाते हैं, वो आपके प्यार को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस बाहर दिखाते नहीं हैं, तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है
कि अरे इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कभी कभी लोग आपको गलत समझ लेते हैं और इस वजह से भी वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन जो मैंने गलतियाँ की हैं इस वजह से आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इन्होंने जो झूठ बोला है, जो भी किया है उसके लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदा है, लेकिन इसे ये भी पता है कि आप इसे माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आपने इससे शायद पहले ही बोल दिया होगा कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। जो तुम्हारे मन में है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। इसे ये भी लगता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में, और आप संघर्ष से पीछे नहीं हटते। हमने कहा ना कि आप अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, आप खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस पाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, मेहनत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हो भी और आप घर में चुपचाप पड़े रहें, कर्म ना करें, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? कर्म तो करना ही चाहिए ना। तो आप कर्म पे विश्वास करने वाले इंसान हैं, आप जल्दी हार मानने वाले इंसान नहीं हैं, आपको कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। आपके पर्सन की नज़रों में आपकी ये छवि है। अब आप हमें बताना कि क्या वो सही सोचते हैं या फिर गलत सोचते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये प्यारा सा ब्रेसलेट चूज़ किया है। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हो, कैसे इंसान हो। अब ये जो वो है ना, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपका एक्स, आपका क्रश, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी जिसके बारे में भी आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? ये कोई भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या नज़रिया है उनका आपके प्रति, ठीक है? वाओ, देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स। अपने आप के किंग ऑफ फॉर्च्यून। Eight of Cups. वाओ वाओ वाओ, एम्प्रेस, खूबसूरत, पेज ऑफ फैंस। ये जो एनर्जी है ना, ये जो आपके बारे में सोचते हैं ना, चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग सुना देते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में। थोड़ा बहुत तो
थोड़ा बहुत तो नेगेटिव हर कोई सोचता है किसी न किसी को लेकर, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ना। बाकी जो भी पर्सन है आपके बारे में अच्छा ही सोचता है, ठीक है। तो इस वजह से एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं। आने से उसकी आई बहार, जाने से उसकी जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हूँ घुंघरू कंठे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हूँ झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। एक तो आप मेल हो या फिर फीमेल हो, बस आप यूँ समझ लो ये आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे और इन्हें ये लगता है कि आपके लाखों हज़ारों फॉलोवर्स हैं। कहीं पर भी इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत रिच हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपके अंदर लोगों को समझने की समझाने की बहुत गजब की पावर है। आप मतलब कि बिना कहे हर बात को समझ लेते हैं, शायद आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मदरली टाइप के हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका जो नेचर है ना बहुत केयरिंग टाइप का है, हेल्पलेस लोगों की मदद करते हैं आप, इन्हें ऐसा लगता है, समझ रहे हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, जिसकी ज़िंदगी में भी आप रहेंगे ना वो पूरी ज़िंदगी खुश रहेगा, इन्हें ऐसा लगता है। और इन्हें ये भी लगता है कि आप हमेशा गरीब लोगों की, हेल्पलेस लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते, कभी भी। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और किसी को ज़रूरत है तो चाहे आपको उसके लिए किसी दूसरे से मांग कर देना पड़े, पर आप देंगे, उसकी मदद ज़रूर करेंगे। आप पुरानी बातों को लेकर लड़ने वाले इंसान नहीं हैं, आप उसे भूलकर आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। आप हमेशा कहते हैं कि न्यू बिगनिंग की जाए, एक नई शुरुआत की जाए, बीती बातों को याद करके क्या परेशान होना, क्या लड़ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो आपका व्यक्तित्व है वो इतना गजब का है कि उस व्यक्तित्व में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी में नहीं होती हैं, जैसे कि मैच्योरिटी लेवल। आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा सा आप में ये कमी नज़र आती है कि आप सिर्फ पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जैसे कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, आप चाहते हैं कि प्यार मिले पर आप प्यार नहीं देते। शायद इनकी ये शिकायत हो सकती है या फिर ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए, ये कोई भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई एक्स हो सकता है, क्रश हो सकता है, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि आप प्यार पाना तो चाहते हैं पर आप प्यार देना नहीं चाहते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस आप में यही कमी है कि आप प्यार देना नहीं चाहते। और हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, जैसे कि कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है तो आप उसके प्रति घबराते नहीं हैं, आप डिवाइन को सरेंडर कर देती हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने कभी कहा होगा या फिर ये महसूस करते हैं कि आप जिनके लिए भी इतना करते हैं, लाइक आपके शायद फैमिली वाले या फिर आपके फ्रेंड्स और लोग, तो वो हमेशा आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि हमेशा लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, आप उनके लिए कितना भी कर दो, कितना भी कर दो, लेकिन फिर भी वो कभी आपकी तारीफ नहीं करते हैं। तारीफ करेंगे भी, वो भी अलग तरीके से, जिसमें ये नज़र आए कि ये हमारे लिए कुछ करता नहीं है, इस टाइप का। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने रिश्तों में हमेशा
तकलीफ़ पाते हैं, आपके रिश्तों में हमेशा आपको तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि आप उनके लिए कितना भी करो फिर भी वो हमेशा आपको एहसान फरामोश कहते हैं, मतलब कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो आप अपने रिश्तों को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। आपके पर्सन ऐसा समझते हैं, बाकी आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप बहुत स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जीने वाले इंसान हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत मदरली टाइप के हैं। अब आप ये हमें बताएंगे कि क्या ये सही सोचते हैं या फिर ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और नेचर के प्रति बहुत लगाव है आपका, जैसे कि जो नेचरफुल चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि पेड़ पहाड़ नदियाँ छोटे बच्चे और जीव जंतु पशु पक्षी, वो आपको बहुत पसंद है। शायद आप नेचर लविंग हो सकते हैं, आपको गार्डनिंग करना भी बहुत पसंद होगा, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, सिंगिंग करना, तो ये ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं। बस आप कुछ चीज़ों पर अगर सुधार कर लो तो आपसे अच्छा इंसान शायद कोई होगा नहीं। और एक चीज़ ये भी सोचते हैं कि कभी कभी आप इतने समझदार होते हुए भी, आपके लाखों हज़ारों फॉलोवर्स हैं, आप लोगों को हमेशा गाइडेंस देते हैं, इतने लविंग हैं, उसके बाद भी कभी कभी आप खुद के विचारों पर अमल नहीं करते, आप कभी कभी खुद इतने होपलेस हो जाते हैं जिसे देखकर लोगों को लगता है कि करें ये वही है, ये हार कैसे मान सकता है। जिस इंसान ने दुनिया को जीना सिखाया हो, जिस जो इंसान लोगों को जीना सिखाता हो, लोगों का मार्गदर्शन करता हो, उन्हें सही गाइडेंस देता हो, वो खुद ही इतना निराश कैसे हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है, जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ें कभी कभी इफ़ेक्टेड करती हैं, उन्हें बुरा लगता है कि आप इस तरह जब करते हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचा आप क्या होगा, तो इन्हें तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो बस आप इन चीज़ों पर सुधार कर ले तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। बाकी आप खूबसूरत तो है ही हैं, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत कमाल का है, आप कमाल का है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, समझ रहे हैं, तो गजब की अट्रैक्शन पावर है आपके अंदर, और ईश्वर ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा आपको दिया है जो सबके अंदर नहीं होता है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने ये धरोहर संभाल कर रखें और समय समय पर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और एक बात और है कि इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आपका धैर्य ख़त्म हो जाता है, आपके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है कभी कभी, समझ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखा करिए कुछ चीज़ों में, ये आप कभी कभी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो पर्सन है उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि क्या वो सही सोचते हैं या फिर गलत सोचते हैं, या फिर ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप कब तक उनकी परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कैसे करना है, हमें पता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और प्लस वो ऑल क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस होंगे जो इन फ्यूचर अपलोड होंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।